पुलिस अधीक्षक मुंगेली डीआर आंचला द्वारा थाना के कार्यों में कसावट लाने के लिए थाना सरगांव में थाना प्रभारी निरीक्षक केसर पराग बंजारा को वरिष्ठ अधिकारियों की मंशानुरूप क्षेत्र में शराब माफियाओं द्वारा कोचियों के माध्यम से अवैध रूप से शराब व्यवसाय पर अंकुश लगाने, क्षेत्र के मुखबिरों से संपर्क कर ग्राम बावली के असंचालित प्राथमिक शाला स्कूल के खंडहर पड़े बालिका शौचालय में लावारिस हालत में पड़े 160 नग देशी मदिरा, प्लेन प्रत्येक में 180 एमएम भरी शराब कीमत 12,800 रुपए को पुलिस के सजगता से थाना सरगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात आरोपी की पता तलाश जारी है। संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक केशर पराग बंजारा, आर ज्वाला प्रसाद, कृष्ण कुमार टंडन, विजय सिंह राजपूत, आरक्षक पारस मणि भास्कर, दिनेश कुमार श्रीवास की भूमिका सराहनीय रही। खंडहर में तब्दील हो चुका है, जहाँ कोई आना जाना नहीं करता, खंडहर है, उसमें शराब की सूचना मिली, जिसपे तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित प्रधान आरक्षक ज्वाला प्रसाद डिंडोरे के हमारा टीम रवाना किया गया। ज्वाला प्रसाद डिंडोरे के द्वारा गांव पहुंचकर ग्राम बावली में साला भवन पर पहुंचा, वहां के बाथरूम में जा करके गाँव वालों के समक्ष में सरपंच कोटवार सब उपस्थित थे, किसने ताला लगाया के संबंध में पूछताछ किया, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया, ताला को तोड़वाया गया, जिसका पंचनामा तैयार किया गया और बाथरूम के अंदर में 160 नग देसी शराब प्लेन मिली, जिसको वजह सबूत में जब्त कर 102 के अंतर्गत कार्रवाई की गई।